सर सर तिकडे सर सर एकदम जवळ सर इथे लेफ्ट समोर बघा सर या कॅमेरे वो तो भी है सर इकडे समोर बघा सर इधर देखिए सामने वो तो भी है सर सर बाबा ये सर दादा दादा आइए संजय भाई सर थोड़ा सा इस तरफ आइए परफेक्ट एकदम सर एकदम सामने सर सेंटर सर और तो सेंटर बाबा थोड़ा यहाँ भी बाबा यहाँ पे सामने सर ये भी सेंटर थोड़ा माइक बाबा यहाँ पर नहीं बाबा यहाँ पे लेफ्ट साइड सामने और फिर लोग क्या थे और फिर वीडियो क्लिप भी कर लेते बाबा बाबा यहाँ पे बाबा विश करना है आनंद जी को अपने अंदाज में क्या बोलना पूछ सर आपके अंदाज में अगर विश कर सके कि आज बर्थडे बॉय हम सभी के सामने यहाँ पे मौजूद है मैं आनंद भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ एंड एक चीज जरूर बोलूंगा कि आनंद भाई एक भाई हैं एक फैमिली है हमारे एंड इनके साथ मजा आता है इनके साथ रह के एंड मैं बस और यही कह सकता हूँ कि मेरी फैमिली है बस मैं खाली ये कहना चाहूँगा कि बाबा ने बताया फैमिली है लेकिन बाबा यारों के यार दैट्स पूरी इंडस्ट्री में वो यारों के यार के नाम से मशहूर है थैंक यू ये साल अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा रहा आपके लिए कैसे देखते हैं इस साल 2019 को कौन से बाबा आपसे भी याद 2019 को भी 2020 को 2019 को भी ये साल आने वाला है कैसे देखते हैं आप कैसे देखते हैं आंखों से देखता हूं अच्छा हम लोग सब मेहनत करते हैं कोशिश करते हैं और बाकी हमारे प्यारे ऑडियंस के हाथ में रहता है लेकिन हम लोग सब मेहनत करते हैं और मेहनत करते रहेंगे थैंक यू मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबको पसंद आया कैरेक्टर बहुत अच्छा है आनंद जी के साथ आपकी मेमोरी क्या है वो आनंद भाई कभी कभी डांट भी देते हैं लेकिन वो अच्छा लगता है प्यार से ऐसे ही बोलू करने स्ट्रेट खड़े रहने थैंक यू सो मच बाबा बाबा बाबा
सर ऑल ऑफ यू सेंटर कैमरा सर ऑल ऑफ यू डाउन सर अभी यहां पे ऊपर देखिए आप सामने सर इधर देखिए सर सर सामने तू आ सर सर इधर देखिए सर ने ऑल ऑफ यू सर सेंटर लुक हियर सर 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 यहां पे देखिए सर अभी सब लोग अभी यहां पे वीडियो पर लेफ्ट साइड वीडियो सर सर प्लीज भी सब लोग यहां पे प्लीज आना सर आना सर अभी आपके लिए एक और वीडियो सर ये क्या मिलती है सर सर इधर वैसे तो हर साल पे इतना बड़ा जश्न नहीं करते लेकिन इस टाइम लोगों ने बोला था कि मेरी पहले ही दिवाली पार्टी में हमेशा म्यूज़िक होता है और अदरवाइज़ हर पार्टी में एक कोई थीम पर्टिकुलर होती नहीं है और मैं म्यूज़िक का बहुत दीवाना हूँ सो आज हमने सोचा कि बर्थडे पार्टी को कन्वर्ट करते हैं एक म्यूज़िक फिएस्टा में सो काफ़ी मंजे हुए अपने बॉलीवुड के जो कलाकार हैं उन लोगों को यहाँ पर बुलाया है नहीं मैंने ये सोचा कि हर साल पे एक म्यूज़िक का ये महफिल लगाई जाए और वो ऑलमोस्ट सुबह तक चले और जिससे काफ़ी म्यूज़िक का लाइव इंटरेक्शन हो और ये कोई फॉर्मल प्रोग्राम नहीं है ये एक महफिल जैसा है अनप्लग प्रोग्राम रहेगा पापा पहले तो हमारे पापा हैं सो देयर इज एन अनडाइंग लव देयर ऑल्सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन और हार्ड वर्किंग पीपल दैट वी नो वी बोथ नो आई एम श्योर वी कैन से दैट एंड सबसे जेन्युइन सोल है उनकी देयर इज नो प्रिटेंस ही इज एन ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग पर्सन वी लव हिम ही इज आवर पापा We definitely want to keep Anand Pandit motion pictures going. You know, it's our dream as much as it is his backing. So definitely want to support Anand Pandit motion pictures. Exactly as she says, and we definitely believe that since we do want to take Anand Pandit motion pictures forward, we will do something. You know, in something on definitely the other. Keep it going. Yeah, keep it going. Yeah. Yes. नहीं बिल्कुल जैसे दोनों बच्चों ने बोला उस हिसाब से मेरा कोई प्रेशर नहीं है मेरे रियल एस्टेट का बिज़नेस है और मेरा फिल्मों का बिज़नेस है तो उन दोनों को इंटरेस्ट है फिल्म बिज़नेस में सो दे विल बी टेकिंग द फॉर्मल एडुकेशन इन फिल्म मेकिंग और डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे एक ही है कि हार्डवर्क का कोई और दूसरा कोई चारा नहीं है सो दे विल हैव टू पुट इन ऑलमोस्ट 18 आवर्स अ डे और कोई पहचान कोई पुश पुल इसमें काम नहीं करता है जैसा कि
मेरी तीन फिल्में हैं जो हमारा प्रोडक्शन है, एक बच्चन साहब और इमरान हाशमी जी के साथ में है, जो हमने चेहरे जो हमने अभी कंप्लीट किए, रूमी जाफरी जी ने उसको डायरेक्ट किया है। सेकंड अजय देवगन जी के साथ में हमने को प्रोड्यूस किया है, अभिषेक बच्चन है उसमें द बिग बुल करके। और तीसरी हम करीब 4-5 दिन में अनाउंस करेंगे, और वो भी बड़ी फिल्म है और वो भी कॉमेडी फिल्म है और हम फ्रेंचाइज बनाना चाहते हैं उसकी। हम सब जानते हैं बच्चन साहब बहुत ही प्रोफेशनल है, और मेरे लिए तो बच्चन साहब वही विजय है जो त्रिशूल दीवार में रहा करते थे। तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे लिए तो मानसिकता वही है कि वही एंग्री यंग मैन। और हकीकत में अभी हमारा लास्ट शेड्यूल था स्लोवाकिया में, और -14 डिग्री सेंटीग्रेड में बहुत सारा बर्फ़ था, उसमें भी बच्चन साहब ने हर मौके पे ये प्रूव किया कि आज भी वो नौजवान है। Happy birthday, Dad. You are one of the most loving, caring, and amazing people I know. Love you. Thank you. Me too. थैंक यू। और आप सब आए, खाना भी खाइए एंड एंजॉय, एंड प्लीज केक रखा हुआ है एंड एंजॉय। थैंक यू वेरी मच, शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे बस यहाँ से बोला करो। Thank you.
Done? Thank you. Thank you.